देखिए इसको, ये आपकी वही कार्ट है बेटा उस तरीके से, और आपको बोल रखा है गन प्लस बुलेट, सारा मास वास मिलके कितना हो रखा है, 50 एम हो रखा है, ठीक है ना, 50 एम है, 50 एम दे रखा है आपको, 50 × m, तो m किसका मास दे रखा है, मास ऑफ वन शेल या वन बुलेट, तो ये फायर कर रहा है, कंटिन्यूस बुलेट फायर है इसमें, तो आपको दो बुलेट फायर होने के बाद, ठीक है, आफ्टर फायरिंग ऑफ टू बुलेट्स इस कार्ट की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी। इनिशियली टोटल मास भरा हुआ इसमें 50 एम है, ठीक है ना, जहाँ पर एम मास ऑफ वन बुलेट है, अगर एक एक बुलेट निकलती जाएगी तो ये मास कम होता जाएगा, एक बुलेट निकल गई तो 49 एम रह गया, एक और बुलेट निकल गई तो 48 एम रह गया, इसलिए इस तरह से दिया हुआ है, ठीक है। हर बुलेट की मजल वेलोसिटी हमेशा यू वैक्टर या यू गिवेन है, यू गिवेन होगी क्वेश्चन में, तो वैक्टर नहीं लगाएगा, ठीक है, मजल वेलोसिटी बुलेट की कितनी है, यू है। तो आपसे पूछ रहा है कि टू कंटिन्यूअस फायर के बाद बताइए कार्ट की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ द कार्ट आफ्टर टू कंटिन्यूअस फायरिंग, पहले एक फायरिंग फिर दूसरी फायरिंग, उसमें इंटरवल कितना था उससे फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि सब स्मूथ है, दो फायरिंग के बीच में इंटरवल कितना था उससे कोई लेना देना नहीं, क्योंकि एक बार फर्स्ट फायरिंग के बाद जो अचीव करेगी, कितनी देर बाद भी दूसरी फायरिंग हो उसकी वेलोसिटी वही रहेगी क्योंकि सब कुछ स्मूथ माना है, ठीक है ना। तो आप कैसे करेंगे, फिर वही कहानी, दोनों फायरिंग हो रही है, मोमेंटम कंजर्व रहेगा क्योंकि सिस्टम पर हॉरिजेंटल डायरेक्शन में कोई एक्सटर्नल फोर्स है नहीं, ठीक है ना, सिस्टम पर कोई एक्सटर्नल फोर्स हॉरिजेंटल डायरेक्शन में नहीं लग रहा है, तो वही करिए आप, मास ऑफ गन प्लस बुलेट 50 एम था, मजल वेलोसिटी यू वेक्टर, तो लेट आफ्टर फायरिंग फर्स्ट शॉट कार्ट की वेलोसिटी कितनी हो गई है, V1 वेक्टर हो गई है, आफ्टर फायरिंग फर्स्ट शॉट कार्ट वेलोसिटी कितनी हो गई है, मान लेते हैं हम V1 वेक्टर हो गया, हमें क्या पता किधर है, हमें जानने की जरूरत भी नहीं है, कुछ वेलोसिटी V1 वेक्टर अचीव कर लेती है, इनिशियल था नहीं मोमेंटम, ठीक है, हम तो बहुत इजीली लिखेंगे ना बेटा, क्या दिक्कत है, बुलेट की कितनी हो जाएगी, यू वैक्टर प्लस V1 वैक्टर, अब ये ध्यान रखना है इसमें, कई बार ये मास कम करता जाता है, कई बार नहीं भी करता है, जैसे पिछली वाली प्रॉब्लम में नहीं किया था, केवल गन का मास ही दे दिया था और एक ही बुलेट बताई थी, ठीक है, केवल गन का मास दे दिया था, तो यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर एक बुलेट निकल गई तो फिर कितना मास रह गया, 49 एम रह गया, उसकी वेलोसिटी हमने कितनी मानी है, V1 वेक्टर मानी, तो यहाँ से अपने आप आपका V1 वेक्टर निकल के आ गया माइनस एम यू वैक्टर अपॉन 50 एम, कितना आ गया, माइनस यू वैक्टर अपॉन 50 आ गया, ठीक है, V1 वैक्टर कितना आ गया आपका, माइनस यू वैक्टर अपॉन 50 आ गया, यहाँ बता रहा है कि जो V1 वेक्टर होगा आपका क्या होगा, U वेक्टर के अपोजिट होगा। अब आप सेकंड फायरिंग वाली, आप सेकंड फायरिंग में इनिशियल मोमेंटम सिस्टम का जीरो नहीं है, बस इतना सा डिफरेंस है, ठीक है, अगर आप पैकेज वाला, पैकेज का एक सॉल्ड एग्जांपल है शायद, उसने कर तो रखा है जहाँ तक मुझे ध्यान है, लेकिन उससे जाएंगे तो बहुत घूम जाएंगे बेटा, आप कभी नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि इसने वही काम कर रखा है, पहली फायर हो गई इधर हो जाएगी, दूसरी फायर हो जाएगी इधर हो जाएगी, फिर वेलोसिटी मानता फिर रहा है वो, उसमें जरूरत ही नहीं होती ऐसी प्रॉब्लम, हमको पता है किधर भी हम तो सीधा लिखेंगे इनिशियल मोमेंटम पी इनिशियल वेक्टर इक्वल्स टू पी फाइनल वेक्टर, बात खत्म है, कुछ सोचना ही नहीं पड़ रहा है, आंसर डायरेक्टली आपको दिखेगा, बताइए, मुझे बताने की भी जरूरत नहीं लग रही है, मैं क्या बताऊँ, ये इनिशियल मोमेंटम है आपका, पता है आपको, फायर हो गई, मजल वेलोसिटी हमेशा यू वेक्टर है, आफ्टर सेकंड फायरिंग मान ली फाइनल स्पीड V2 वेक्टर अचीव कर रहा है, बट वो ध्यान रखें कितना मास करेगा, 48 एम मास करेगा, क्योंकि एक बुलेट फायर होती है तो एक एम कम हो जा रहा है, क्योंकि एम यहाँ पर क्या है, मास ऑफ वन बुलेट दे रखा है, वन शेल दे रखा है, तो बचा हुआ कितना होगा, 48 एम × V2 वैक्टर होगा ये, ठीक है, तो अब आप देख लीजिए इसमें 49 एम V1 वेक्टर माइनस एम यू वैक्टर इक्वल्स टू V2 वेक्टर 49 एम, ठीक है, तो ये V2 वेक्टर कितना आ गया आपका, V2 वेक्टर आ गया माइनस यू वेक्टर 1/50 प्लस 1/49 आ गया, ये आपका V2 वेक्टर आ गया माइनस यू वेक्टर इंटू, ठीक है, 1/50 प्लस 1/49 आ गया, ये वेलोसिटी वेक्टर आ गया, माइनस यू वेक्टर × 1/50 प्लस 1/49, ये फाइनल वेलोसिटी होगी बेटा, दो बार मोमेंटम कंजर्व अप्लाई कर दिया, सेकंड फायरिंग है तो, ठीक है, तो यहाँ तक आप किसी को दिक्कत हो